नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेटअप बाय सेटअप वाइंडिंग डाटा, वाइंडिंग डायग्राम विद कनेक्शन। ठीक है, तो कम्प्लीटली मैं आपको इस वीडियो में डाटा दूंगा और कंप्लीट आपको डायग्राम उसका बताऊंगा, वाइंडिंग का और कनेक्शन का डायग्राम भी बताऊंगा, तीनों चीजें एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे 24 स्लॉट मैंने बनाए हैं। 24 स्लॉट की जो मिनी कूलर मोटर या मिनी फैन मोटर होती है, ठीक है, तो उसका आज मैं वाइंडिंग डायग्राम प्लस में डाटा कनेक्शन डायग्राम तीनों चीजें आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखना है, इत्मीनान से। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने 24 स्लॉट्स बनाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं डायग्राम बता देता हूं, फिर डाटा बता दूंगा। तो मिनी कूलर यानी कि मिनी फैन, जिसको मिनी एग्जस्ट भी बोलते हैं, मिनी एग्जस्ट जो कि आधा इंच का होता है, ठीक है, जिसका स्टैम्पिंग साइज स्टेटर साइज आधा इंच का होता है, मैं इमेज लगा दूंगा वीडियो में, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें उसका वाइंडिंग डायग्राम है। इसके अंदर टोटल चार कॉयलें डाली जाती है, दो रनिंग में डाली जाती हैं, दो स्टार्टिंग में डाली जाती हैं, और पिच जो होती हैं वो होती हैं 6 स्लॉट छोड़कर 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो हम 6 स्लॉट पहले छोड़ देंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्लॉट हमने छोड़ दिए हैं। अब ये पॉइंट हमारा बन गया है 1 से 8, इसके ऊपर 1 से 10, फिर 1 से 12। ठीक है, तो हमारे 12 स्लॉट यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे, बीच में खाली 6 बचेंगे। तो सबसे पहले मतलब एक ही कॉइल 3 बार मोड़ के डाली जाती है। यहाँ पे डायग्राम में मोड़ के तो नहीं बता सकता, लेकिन जो तरीका है, जो जिस हिसाब से डाली जाती है, वो बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट जो है वो इनर पॉइंट है, इन। तो पहला इधर से चली कॉइल, पहले 1 से 8 में डाल ली आपने, उसके बाद 1 से 10 में, उसके बाद दोस्तों 1 से 12 में। ठीक है, ये आउटर पॉइंट होगा। तो ये रनिंग की कॉइल मैंने एक डाल ली है, 6 बीच में स्लॉट छोड़ दिए हैं, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 में, यानी कि कॉइल को एक बार लंबी कॉइल एक बनती है, ठीक है, रनिंग की लंबी कॉइल बनती है 27 इंच की इसमें, और उसको 3 बार मोड़ के डाला जाता है। तो यहां पे मैंने बता दिया है डायग्राम। अब जस्ट इसके इस साइड दूसरी वाली कॉइल डलेगी, तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूं ताकि आपको उसी तरीके से आप समझ सके। तो उसी तरह से हमको स्लॉट लेने हैं, 1 से 12, 1 से 10, 1 से 8, 6 छोड़कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़कर। तो यहां पहला तार इनर तार, ये वाला इनर है, पहली कॉइल 1 से 8 में, दूसरी 1 से 10 में, तीसरी 1 से 12 से, ओके, ठीक है, और ये आउटर तार बच जाएगा। ठीक है, अब रनिंग के हमने कॉइल डाल दिए, टोटल 12 स्लॉट भरे हैं और 12 स्लॉट अभी खाली हैं, 6 लेफ्ट 6 राइट। अब इसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, अब इसमें हम स्टार्टिंग कॉइल जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल इस तरह से इंस्टॉल करते हैं, पहले हमने खाली 6 स्लॉट छोड़े थे, अब भरे 6 स्लॉट छोड़ने हैं, तो ये 6 स्लॉट हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये इनर पॉइंट हो गया, और यहाँ से कॉइल डालनी है, और 8,
दस, ठीक है, वो ये 12 से निकल जाती है, ये आउटर पॉइंट हो गया। अब इसके जस्ट इस साइड यहाँ पे टोटल 6 स्लॉट बचे हैं, इसी तरह से 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, ठीक है, यहीं से हम लेंगे। मैं थोड़ा पेन थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये खाली छोड़ दिया था मैंने इसलिए, तो कलर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ये इनर तार इस तरफ रखना है, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि रनिंग रनिंग का आउटर आउटर जोड़ देना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का आउटर आउटर जोड़ देना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का आउटर एक ये है, एक ये है, आमने सामने होते हैं, आउटर आउटर को जोड़ दीजिए, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग आउटर से जोड़ दीजिए, और जो रनिंग का आउटर ये है, ये आमने सामने, इनको आपस में आप जोड़ दीजिए, ठीक है। या ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल बना लीजिए, उसमें एटमेट आराम जुड़े ही रहते हैं उसमें, ठीक है। तो इनर तार हमारे पास बचते हैं 4 तार, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के, ठीक है। तो इसके कनेक्शन मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों 4 तार बचे हैं, ये चारों तार या तो आप बाहर निकाल सकते हैं 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के, जैसे हमेशा निकालते हैं पंखे के, या 1 रनिंग और 1 स्टार्टिंग का लेकर कॉमन बना सकते हैं, उसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं, दूसरे पेज में बताऊंगा। तो ये था इसका वाइंडिंग डायग्राम जो था, ठीक है। अब मैं आपका इसका डेटा बताता हूँ और इसके कनेक्शन बताता हूँ। तो एक अलग पेज में यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसमें बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका डेटा है, देखिए इसका डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 24 स्लॉट है, ठीक है, 24 स्लॉट है, मिनी कूलर है, मिनी कूलर बोल सकते हो, मिनी फैन, मिनी एग्जॉस्ट, ठीक है, आधा इंच स्टेटर वाला, और आरपीएम इसके हैं 2880, इसके आरपीएम है, सिंगल फेस में है, फेस, ठीक है, सिंगल फेस, दो सौ 20 वोल्टेज है एसी, अब देखिए इसका जो इसके अंदर जो गेज है दोस्तों वह है 35 नंबर, 35 नंबर है कॉपर में, ये कोपल डेटा मैं बता रहा हूं, और स्टेटर साइज है, स्टैंपिंग साइज, जीरो पॉइंट फाइव इंच है। तो इससे ज्यादा भी हो तो क्वाइल का साइज आप थोड़ा सा 1 इंच बढ़ा सकते हो, ये इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, स्टैंपिंग साइज के हिसाब से ज्यादातर यही होता है, आधा इंची। और इसके अंदर जो टर्न होते हैं ना,
रनिंग के हैं 300 टर्न और स्टार्टिंग के हैं 250 टर्न। फर्मा बता रहे हैं कॉइल साइज, फर्मा है रनिंग का है, 27 इंच की कॉइल है रनिंग में, स्टार्टिंग में 25.5 इंच की कॉइल है, ठीक है। तो ये फर्मा हो गया। अब बात करते हैं पिच की, रनिंग पिच है 108, 110, 112। स्टार्टिंग का पिच है 108 से 10, 112, सेम टू सेम। टोटल कॉइल है, टोटल कॉइल देखिए आप, दो रनिंग की थी, दो स्टार्टिंग की थी, ठीक है, चार। तो लगभग सारी चीजें मैंने बता दी हैं, कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें। तो इसका डेटा था। अब मैं कनेक्शन 20 के बता देता हूँ यहीं पर ही, जो कैपेसिटर कनेक्शन होते हैं सिंपल। चार तार निकले थे, रनिंग का एक, रनिंग का दो, ठीक है, एक दो। उसके बाद था स्टार्टिंग का एक, स्टार्टिंग का दो, टोटल चार तार निकले थे। अब आपको करना क्या है, एक स्टार्टिंग के तार को पकड़िए, ठीक है, एक रनिंग के तार को पकड़िए, इसका आप कॉमन बना सकते हैं, ठीक है, ये आप कॉमन बना लीजिए। और जो बचे हुए दो तार है ना, उसके अंदर आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो यहां मैं कैपेसिटर बना देता हूं। कैपेसिटर लगाना है आपको 2.5 का, ठीक है, स्पीड ना मिले तो 3.15 का भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके दो तार होते हैं कैपेसिटर के, एक तार आप यहाँ रनिंग वाले पॉइंट में दीजिए, दूसरा तार आप यहाँ पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट के अंदर दीजिए। अब आपको एक तार तो कॉमन ले लेना है, इसको आप प्लस बोल सकते हो, और एक तार आपको वो लेना है जो रनिंग के रनिंग से कैपेसिटर में जुड़ा हुआ, तो ये वाला जुड़ा हुआ है, इसको ले सकते हैं यहाँ से। तो इसको आप माइनस बना लीजिए, ये आपके दो तार हो गए प्लस माइनस 220 वोल्टेज के, ठीक है। अगर मोटर उल्टी घूमती है तो क्या करना है आपको, रनिंग या तो रनिंग और स्टार्टिंग के आपस में बदल दीजिए ये, ठीक है, कोई सी भी दो तारों को आपस में बदल दीजिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के या रनिंग रनिंग के, ठीक है। जैसे हमने इस रनिंग से ये स्टार्टिंग का जोड़ा, तो इसको आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसके साथ, ठीक है, तो उसका उल्टा कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके कनेक्शन बता दिए हैं, कैपेसिटर बता दिया है, कैपेसिटर पावर और इसका डाटा बता दिया है, और इसका जो डायग्राम है वो वाइंडिंग का जो है डायग्राम वो बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसकी जो हमने वाइंडिंग वीडियो है वो ऑलरेडी डाल रखी है, तो इसको आप देख सकते हैं वाइंडिंग वाले प्ले लिस्ट में जाके, वीडियोज़ में जाके। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।